टूडे वील बी स्टार्टिंग विद्यू टॉपिक विच इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट फॉर योर बर्ड्स न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स सो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जिसमें कि हम जानेंगे वॉट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम देर वेरियस फंक्शन एंड हाउ ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टूगेदर टू कम्पलीट दिस प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड एब्जॉर्ब फूड सो हेयर आई एम डॉक्टर अनम फातिमा एंड वेलकम टू माई चैनल द लर्निंग सेल अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के दो मेन पार्ट होते हैं फर्स्ट होता है हमारा एलिमेंट्री के थ्रू दी माउंट एंड को रिमूव करते हैं हमारी बॉडी के दो ओपनिंग होती हैं, जिन्हें एक ट्यूब कहलाता है एलिमेंट्री केनाल ये ट्यूब हमारी बॉडी के अंदर एक पाथ फॉर्म करता है थ्रू विच फूड ट्रेवल्स इन बॉडी एंड इसी ट्यूब के अंदर फूड का डाइजेशन एंड एबजॉर्शन होता है सो हाउ डू वी डिफाइन एन एलिमेंट्री केनाल इट इज बेसिकली अ लॉन्ग ट्यूब विच एक्सटेंड्स फ्रॉम माउथ टू द एनस इट इज ऑल्सो नोन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और द इसकी लेंथ होती है अप्रोक्स एट टू टेन मीटर्स एंड इसके डिफरेंट डिफरेंट कंपार्टमेंट्स होते हैं लाइक स्टमक ईसोफेग स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन एक्सेट्रा जिसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है विच वील स्टडी एज वी मूव ऑन कमिंग टू दस्टिव ग्लैंड बट फर्स्ट वी नीड टू नो वट आर दू टाइप्स ऑफ डाइजेशन मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन मैकेनिकल डाइजेशन में फिजिकल प्रोसेस होता है फॉर एग्जाम्पल जब हम फूड च्यू करते हैं तो वी कन्वर्ट द लार्जर पार्टिकल्स इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स एन अदर एग्जाम्पल वुड बी चर्निंग ऑफ फूड बाई द स्टमक इन दोनों में ही कोई केमिकल चेंज नहीं हो रहा है सेकेंड टाइप इज ऑफ केमिकल डाइजेशन केमिकल डाइजेशन में फूड जो होता है कॉम्प्लेक्स कम्पाउंड आर ब्रोकन डाउन इंटू सिंपल कंपाउंड बाय ब्रेकिंग द बॉन्ड्स

जो कि फॉर्म करता है बाइल एंड थर्ड होता है पैंक्रियाज विथ सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस लेट अस सी हाउ दिस फूड मूव थ्रू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आर डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्टिंग फ्रॉम द माउथ जब हम फूड इनटेक करते हैं वी कंप्लीट द फर्स्ट स्टेप ऑफ न्यूट्रिशन कॉल्ड एज इंजेशन सेकेंड स्टेप इज नोन एज डाइजेशन ऑल्सो स्टार्ट फ्रॉम द माउथ लेट अस सी हाउ माउथ लीड्स टू एन ओरल और बकल कैविटी विच हैज थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स टीथ टंग एंड दलाईवी ग्लैंड स्टार्टिंग फ्रॉम द टीथ ह्यूमन बींग्स में टू सेट्स ऑफ टीथ होते हैं मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ परमानेंट टीथ आर ऑफ फोर टाइप्स इंस प्रोलर्स एंड मोलर्स इनके ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम क्योंकि डन एंड एनसीआरटी में मैंशन नहीं है वॉट वी नीड टू नो इज की टीथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ फूड फ्रॉम लार्जर पार्टिकल्स इन टू स्मॉलर पार्टिकल्स कमिंग टू आर सेकेंड स्ट्रक्चर विच इज सलाइवरी ग्लैंड एंड दे आर वेरी इंपॉर्टेंट अब जब भी हम कुछ ऐसा खाते हैं या स्मेल करते हैं जो हमें अच्छा लगता है हमारे मुंह में पानी आ जाता है ये पानी एक्चुअली में सलाइवा होता है विच इज सिक्रिटेड बाई दीज सलाइवरी ग्लैंड दिस सलाइवा कंटेन्स एन एनजाइम विच इज नोन एज सलाइवरी अमाइलेस और टाइलिन सलाइवरी अमाइलेस कन्वर्ट्स दार्च प्रेजेंट इन आर फूड इन टू माल्टोज अब हम इसको एक एक्टिविटी के थ्रू भी कन्फर्म कर सकते हैं वॉट वी हैव टू डू इज कि हमें दो टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं जिसके अंदर वन एम एल स्टार्च सोल्यूशन है एंड देन उनमें से एक में हम वन एम एल सलाइवा डाल देंगे एंड इट रेस्ट फॉर अराउंड ट्वेंटी टू थर्टी मिनट्स आफ्टर दैट वी विल डू स्टार्च टेस्ट हम ऑब्जर्व करेंगे कि जिस सोल्यूशन के अंदर सलाइवा प्रेजेंट था दैट इज टेस्टिंग नेगेटिव फॉर स्टार्च इसका मतलब कि सलाइवा ने स्टार्च को किसी अदर कंपाउंड में कन्वर्ट कर दिया है जिसकी वजह से इट इज़ टेस्टिंग नेगेटिव फॉर स्टार्च अब इसका एक रियल लाइफ एग्जाम्पल ले सकते हो नेक्स्ट टाइम जब आप चपाती चू करना देन चू इट अराउंड फॉर फोर टू फाइव मिनट्स वॉट यू विल सी इज कि चपाती अचानक से स्वीट टेस्ट करने लगती है दिस इज बिकॉज जो स्टार्च प्रेजेंट होता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इन टू माल्टोज विच इज अ स्वीट टेस्टिंग शुगर

उस हार्ड स्ट्रक्चर के बिनीत एक सॉफ्ट पोर्शन होता है विच इज नोन एज पल्प अब आते हैं हम मैकेनिज्म ऑफ डेंटल केरीज पर नॉर्मली हमारे माउथ में बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं बट दे आर नॉट हार्मफुल टू टूअर्स पर जब हम ब्रश नहीं करते हैं प्रॉपरली दीज फूड पार्टिकल्स स्टिक टू आर टीथ बैक्टीरिया कंबाइन विद दीज फूड पार्टिकल्स टू फॉर्म एन ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर विच इज नोन एज डेंटल प्लाक अब बैक्टीरिया क्या करता है बैक्टीरिया कंबाइन करता है फूड के अंदर प्रेजेंट शुगर के साथ टू प्रोड्यूस एसिड और हमारा इनेमल जो होता है वो बना होता है मिनरल से तो एसिड उस मिनरल पे एक्ट करके उसे डिसॉल्व कर देता है दिस इज नोन एज कैविटीज इन कॉमन लैंग्वेज एंड टेक्निकल टर्म्स में हम कहते हैं डेंटल कैरीज इन कंसाइज फॉर्म वी कैन से बैक्टीरिया प्लस शुगर प्रेजेंट इन द फूड प्रोड्यूस एसिड्स

इन दोनों की ही एक कॉमन ओपनिंग होती है या कॉमन एरिया होता है स्ट्रक्चर विच इज नोन एज एपिग्लॉटिस इट कवर्स दी विंड पाइप सो एंटर्स एंटर फूड पाइप एंड नॉट विंड पाइप इसको हम एपिग्लॉटिस क्यों कहते हैं क्योंकि एपी का मतलब होता है अबव

ठीक है अब हमने फूड को स्वलो कर लिया देन इट एंटर्ड दी फेरिंग्स फेरिंग्स से अब वो जाता है हमारे फूड पाइप के अंदर या फिर ईसोफेगस में सो द नेक्स्ट थिंग व्हिच वी आर गोइंग टू स्टडी इज ईसोफेगस वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट ओवर हियर इज कि ईसोफेगस इज जस्ट अ कंडक्टिंग पैसेज मतलब कि यहां पर फूड का कोई भी डाइजेशन नहीं हो रहा है इट इज जस्ट मेंट टू ट्रांसफर द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक क्वेश्चन की इन दट फूड आखिर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कैसे मूव करता है इज इट डू टू दीजन ग्रेविटेशनल फोर्स होता तो जब हम लेटे होते हैं हाउ डज द फूड गेट डाइजेस्टेड या फिर जब हमें वॉमिटिंग आती है हाउ डज द फूड मूव इन दायरेक्शन सो द रीजन इज नॉट ग्रेविटेशनल फोर्स But the reason is the alternate contraction and relaxation of the muscles of the gut. This is known as peristalsis or the peristaltic movement. Now, let us understand with the help of figure what is peristalsis. In the figure, you can see a food bolus which is present inside the esophagus. तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो पोर्शन गट का फूड बॉलर्स के बिलो प्रेजेंट है दैट इज़ इन अ रिलैक्स स्टेट यानी कि यहाँ की मसल्स रिलैक्सेशन शो कर रही हैं एंड जो पोर्शन फूड बॉलर्स के अबव प्रेजेंट है दैट आर शोइंग कॉन्ट्रैक्शन तो जब वो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं दे पुश द फूड बॉल्स फॉरवर्ड सेकेंड फिगर में नाउ यू कैन सी द फूड बोलस इज इन इट्स न्यू पोजिशन एंड जो मसल्स पहले कॉन्ट्रैक्ट कर रही थी अब वो रिलैक्सड है एंड उसके आगे वाली मसल्स अब कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही हैं सो दिस ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन इज नोन एज पेरिस्टैलिस पेरिस्टैल्सिस कैन बी डिफाइंड एज द प्रोग्रेसिव वेव ऑफ इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स ऑफ वॉल ऑफ द गट that makes the food move forward progressive isliye because jaisa jaisa hamara food forward move karta hai, these contraction and relaxation also move along and involuntary isliye because these muscles cannot be moved at our own will so that's it for today today we learned about the esophagus the pharynx and how digestion occurs in the mouth in the next time we'll be learning about stomach and the small and the large intestine if you like this video, please hit the like button and share it with your friends. And do subscribe to my channel, The Learning Cell.